आदरणीय संतगण उपस्थित मेरा सत्संगियों संख्यों की बहनों और जिस पर पूरा ये पूरे देश के लोगों को नाज है ऐसे हमारे जवानों भगवान जब किसी पर खुश होता है तो लोग मानते हैं कि उनको धन दौलत देता है या कुछ ऐश्वर्य आराम देता है लेकिन मेरी मान्यता ऐसी है कि जब भगवान जब किसी पर खुश होता है तो उसके उस पर उसको अच्छे विचार देता है और भगवान जब कभी किसी पर नाराज होता है ना तो किसी को मारता नहीं है ऐसे विचार देता है कि उसको आपो आप सब मिल जाए सजा। तो मैं तो बड़ा आभारी हूँ सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण का कि यहाँ आने पर ये मुझे भी विचार उन्होंने दिया कि ये मंदिर के जीर्णोद्धार की जरूर है। सबसे पहला भगवान का आभार और महंत स्वामी भुज मंदिर के कार्यकर्ता लोग ने हमारे विचार को खूब अच्छी तरह से सम्मानित किया, सत्संगों ने उसको पोषित किया और आज ये मूर्त स्वरूप देख के हमें वास्तव में खूब आनंद हुआ है। करीब अगस्त महीने में हम लोग सत्संग ग्रुप के साथ रशिया जा रहे थे तो सोचा कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते जाएं। हमने अपॉइंटमेंट मांगी, उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, सबको प्रेम से नाश्ता भी करवाया अपने निवास स्थान पर और हमसे आधा घंटा तक अकेले में मिले। कुछ टॉपिक तो था नहीं तो हमने पूरे विस्तार से इस मंदिर की बाबत में उनको बातचीत की कि इसी तरह संकल्प हुआ ये मंदिर है और आपको उस समय आना है, ऐसा मैंने निमंत्रण उनको दे दिया था उस समय। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए सिक्योरिटी के कारण सर शायद मुझे वहाँ बॉर्डर पर होने से इजाज़त न मिले लेकिन हमें बहुत खुशी हुए हमारी सब समय आपने साथ किया आपका हुआ हमारे सब भावना आपके साथ। और दो तीन दिन पहले हमने पीएम ऑफिस में भेजा मैसेज भेजा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमको एक मैसेज भेजे तो दो दिन पहले उन 1:30 बजे दोपहर उनका फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर कि मैं मैसेज भेज रहा हूँ लेकिन हमारा एक सूचन है कि वहाँ सोलर एनर्जी का जितना उपयोग हो सके उतना आप करवाइएगा, इनका सूचन मोदी साहब का सूचन। मैंने कहा तुमने कहा कि हम हमारे तरफ से आप सभा में बात कहिएगा, उन्हीं ने फ़ोन किया था। तो आज ये संकल्प का मूर्त स्वरूप देख के वास्तव में खूब आनंद हुआ है और आज तो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं लेकिन इस जगह पर अगर थोड़ा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन हुआ जाए उसको एक टूरिस्ट प्लेस की तौर से ऑफ कोर्स जो आर्मी के रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं सिक्योरिटी के रीजन्स हैं उस सबको ध्यान में रख के तो आम आदमी भी इस जगह पर आके और हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं और आप सबको मिल सकते हैं। तो ये भी संतों को हमने सुझाव रखा है तो इसके बारे में भी आगे वो लोग प्रस्ताव करेंगे। जिन लोगों ने इस महान कार्य के लिए अपना योगदान दिया है वो सभी को हमारा खूब खूब धन्यवाद है। आर्मी से हमको इतना लगाव है कि हम दो बार तो वाघा बॉर्डर हुआ है और तीसरी बार जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। एक तरह की ऊर्जा मिलती है वहाँ जाने से तो आज वास्तव में खूब खुशी हुई और आप हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं आपके ऊपर हमको खूब नाज है। हनुमान जी विशेष आपको बल दें और अब तो घनश्याम महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी विराजमान हैं वो सभी आपकी हर एक प्रकार से
आपकी रक्षा करें, आपकी उन्नति प्रगति करें, आपको विजय प्राप्त कराएं। और जब लास्ट फर्स्ट टाइम में जब आए थे यहाँ पर, तब जानवर जवानों से बात हुई थी कि कराची बहुत नज़दीक है यहाँ से, और कराची में अपना स्वामीनारायण मंदिर करीब 100 साल के पहले का है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ भी हनुमान जी है। तो जवानों से ऐसे बात की थी कि उस समय उन्होंने तालियों से उसको रिस्पॉन्स भी किया था कि या तो आप ऐसा कोई भगवान को प्रार्थना करें कि दोनों से देश के संबंध अच्छे हो, ताकि वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हम जा सके, या तो आप सब उसको ले लें तो फिर हम विजय यात्रा करके हनुमान जी के दर्शन करने जाए। सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना कि हर एक क्षण हर एक बल आपके साथ रहे, आपको शौर्य बल दे। इसी प्रार्थना के साथ जो तमने आ वीडियो गम्यो होय तो लाइक करो, शेयर करो अने सब्सक्राइब करो अमारी चैनल कालुपुर मंदिर ने। अमारी बधीज अपडेट्स माटे बेल आइकन पर क्लिक करवानू भूलशो नहीं।